हेलो माय डियर प्रोटॉन्स आर्मी, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड हैड अ ग्रेट डे सो फार। तो आज के सेशन में मैं आपको 25 इजीएस्ट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, विच इज एब्सोल्युटली स्कोरिंग फ्रॉम एंटायर ग्रेड 10th केमिस्ट्री। तो ये सेशन को पूरा एंड तक देखना और पक्का से वीडियो को लाइक कर देना और कॉमेंट में साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाना। ओके, ठीक है बच्चा पार्टी। Now let's start this session with a bit of motivation as always. So we have mistakes are proof that you are trying. Absolutely, जब आप कोई नया चीज करते हो, नया काम करते हो, तो आपसे गलतियां definitely होती हैं and वो एक proof होता है कि आप at least कोशिश तो जरूर कर रहे हो, है ना बच्चा पार्टी। एंड आई होप आपकी एग्जाम की तैयारी काफी मस्त चल रही होगी, है ना। एंड यू कैन फॉलो योर निकी मैम ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल टू कनेक्ट विथ मी मोर। चलो इजी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगी, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो यहां पे जो बेसिकली रिएक्शन हो रहा है, NaOH का रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ, राइट। तो ये क्या बोल रहा है कि 10 ml सॉल्यूशन लिया गया NaOH का, व्हिच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन, ठीक है, 8 ml ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो अगर आप 20 ml सॉल्यूशन ले रहे हो NaOH का, तो वो पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज। तो कितना अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर होगा ताकि जो NaOH है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। नाउ बच्चा पार्टी, ये हम सिंपल मैथ से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर 10 ml NaOH यूज हो रहा है तो 8 ml HCl इज एक्चुअली यूज टू न्यूट्रलाइज इट, राइट। तो अगर 1 ml के लिए मैं कैलकुलेट करूंगी तो क्या होगा, 8 by 10 ml HCl, राइट। और हमें कितने के लिए कैलकुलेट करना है, 20 ml के लिए, राइट। तो 20 ml NaOH के लिए कितना HCl चाहिए, 8 multiplied by 20, तो ये आ जाएगा आपका 16 ml HCl। ऑप्शन डी आपका होगा सही जवाब। आई होप ये चीज समझ में आ गई आपको, सिंपल मैथ से मैंने कैलकुलेट करा है। ओके, तो यही आपका सही जवाब है, मुझे 16 ml। नेक्स्ट, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन वॉटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। एक एलिमेंट है, ठीक है, उसके बारे में हमें पता करना है। एक एलिमेंट है जिसका रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो वो एक कंपाउंड बना रहा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। और ये जो यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है Y, ठीक है, ये इसके बारे में एक और चीज दी गई है कि ये सॉल्यूबल है पानी में। तो आप मेरे को चारों ऑप्शंस देख के बताओगे कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओ तो एक तो वो कंपाउंड बनाएगा और जो कंपाउंड बन रहा है वो सॉल्यूबल होगा, वाटर सॉल्यूबल होगा। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है वो, दैट इज एक्चुअली कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो वो फॉर्म करता है कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। और दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज एक्चुअली हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, कैल्शियम ऑक्साइड इज डेफिनेटली सॉल्यूबल इन वाटर, है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी में घोलोगे तो क्या बनता है, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट बच्चा पार्टी। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है, है ना। सो आपका सही जवाब क्या होगा, कैल्शियम, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ऑल क्लियर, ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी और आई होप आप मेरे साथ साथ एक्चुअली आप भी सॉल्व कर रहे हो, तो आंसर कमेंट सेक्शन में देते जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स CO एज फंक्शनल ग्रुप, प्रोपेनल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल या प्रोपेनॉल। तो जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिया गया है आपको CO, वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ कीटोन, राइट। तो पहले वाला तो आपका एल्डिहाइड है, दूसरा है अल्कोहल, ये भी अल्कोहल है, ऑप्शन डी ये जो है प्रोपेनॉन, दैट इज एक्चुअली द कंपाउंड व्हिच इज हैविंग फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, है ना। उसका सफिक्स भी मैंने आपको बताया है, ओन लगता है, ओ एन ई, है ना। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड. इन चारों में से आपको बताना है कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है. ठीक है, तो मुझे सोच के सबसे पहले ये बताओ कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है. कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं. राइट, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं, है ना बच्चा पार्टी. इन चारों में अगर मैं फर्स्ट वाला बोलूं तो ये बेसिकली आपका आयनिक कंपाउंड है, CCl4, ये है आपका कोवेलेंट कंपाउंड, है ना. NaCl अगेन इट्स एन आयनिक कंपाउंड, KCl भी आपका आयनिक कंपाउंड है. तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो यहाँ पे है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड. ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं व्हिच कंप्राइजेस ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल इलेक्ट्रॉन दान करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है. ऑल क्लियर बच्चा पार्टी, यहां तक आ गई बात समझ में. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, CaO, CO, Na2O या ZnO. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं बच्चा पार्टी, ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं. राइट, तो ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं. तो मेरे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. राइट, इन चारों में से अगर मैं बात करूं, जिंक ऑक्साइड ZnO, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं N2O, NOCO, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं न्यूट्रल ऑक्साइड के. मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में बात करूं, जनरली दे आर बेसिक इन नेचर. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक. All clear बच्चा पार्टी, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम इजी क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि स्कोरिंग है डेफिनेटली. तो ये सब क्वेश्चंस को इन जनरल आपको कुछ छोड़ के या ओवरलुक करके नहीं जाना है. कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में जिससे पक्का अपना मार्क्स गेन कर सकते हो, तो उस पर भी बेसिकली आपको ध्यान देना है. ठीक है, तो आपका ये 2020 में क्वेश्चन आया था कि कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई. कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लो होता है, क्या वजह है उस पर्टिकुलर चीज की, लेट्स हैव अ लुक. तो अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में, कोवेलेंट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं. इजंट इट बच्चा पार्टी, है ना. अब ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं और इन कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच जो बॉन्ड बनता है या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता. ओके, सो वी कैन एक्चुअली से कि इनका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है. सो दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. राइट, तो अगर आप थोड़ी सी एनर्जी दे दो, अगर कोई बॉन्ड ऐसे समझो इस चीज को, अगर कोई बॉन्ड स्ट्रांग है तो आपको उसको तोड़ने में टाइम लगेगा. अगर कोई बॉन्ड वीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, थोड़ी सी एनर्जी लगाओगे टूट जाएगा. राइट, है ना. तो अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कि अगर मैं एनर्जी लगाऊंगी तो ज्यादा जल्दी टूट जाएगा. दैट इज वन ऑफ द रीजन कि कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द कोवेलेंट कंपाउंड्स. इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो आप थोड़ी सी एनर्जी लगाओगे वो बॉन्ड टूट जाता है. ठीक है बच्चा पार्टी, आ गई कॉन्सेप्चुअल चीज समझ में. एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर वेरी वीक, कमजोर होते हैं. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में वो कमजोर होता है. ठीक है, ऑन अप्लाइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दीज मॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक. और या आप हीट या एनर्जी दोगे तो जो बॉन्ड ऑलरेडी कमजोर है तो वो तो इजिली टूट जाएगा. That is the reason कि कार्बन कंपाउंड्स का लो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है. All clear बच्चा पार्टी, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, why? कार्बन आयनिक कंपाउंड्स नहीं फॉर्म करता, ये हम बेसिकली पढ़ते आ रहे हैं. पर what exactly is the reason? क्यों वो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म नहीं करता? हमें पता है कि कार्बन जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करता है, पर वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने को ऑप्ट क्यों करता है? इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, लेट्स हैव अ लुक कि हम दो डिफरेंट केसेस देखें कि अगर एक केस में वो चार इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, है ना, एक केस में चार इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया,
ठीक है। इस वाले केस में वो सी प्लस फोर बनाएगा, है ना, चार इलेक्ट्रॉन्स आपने हटाए हैं, मतलब आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज टू बी गिवन, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ओके। अब सी माइनस फोर वो क्यों नहीं बनाता, क्योंकि जो प्रोटॉन्स है उसके पास है जो न्यूक्लियस है उसके पास है 6 प्रोटॉन्स। अब आप चार इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करोगे तो जो प्रोटॉन है इट कैन एक्चुअली नॉट होल्ड टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। भाई इतना छोटू सी नन्ही सी जान है तो वो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे होल्ड अप करेगा, राइट। सो दैट्स वाई वो एक दूसरा रास्ता निकालता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को ना लूज करता है ना गेन करता है, वो दूसरा तरीका निकालता है कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लूंगा। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि वो आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता, है ना, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग को ऑप्ट करता है, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पे लिखी है, इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज हाई एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो चार इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट या एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स ईदर बिकॉज 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो 6 प्रोटॉन्स इनिशियली ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट, अगर आप उसके में और चार इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे वो पॉसिबल नहीं है, इट कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। दैट इज वन ऑफ द रीजन वो आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता, वो बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है बच्चा पार्टी। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। चलो भाई नेक्स्ट, व्हाट इज मीथेन, ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मीथेन क्या है बच्चा पार्टी, चैट बॉक्स में पक्का से बताना। मीथेन जो है हाइड्रोकार्बन है, जो कि एल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, है ना, एल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, विच इज हैविंग द फॉर्मूला CH4। इसका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने बोला है, तो पहले देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 ही होगा। कार्बन आपका आएगा सेंटर में, है ना, चारों दिशा में हाइड्रोजन को जगह दे दो, ठीक है। अब चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो चार डॉट 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 बना दूं मैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन के लिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, तो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही, राइट, तो मैं इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, है ना। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिया, ठीक है, ड्यूप्लेट, ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिया ड्यूप्लेट, ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिया ड्यूप्लेट, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया ड्यूप्लेट, तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट स्टेबल हो, मतलब कंप्लीट हो गया। अब हमारा कार्बन क्या करता है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है, राइट। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी खुश भाई उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसका, CH4 का, विच इज मीथेन। आगे बार समझ में बच्चा पार्टी, लड्डू क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, तो वही चीज लिखी है कि मीथेन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक तो हाइड्रोकार्बन है, राइट, विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज एंड हैज द फॉर्मूला CH4। ये ऐसे उसका स्ट्रक्चर बनेगा, ये ज्यादा सुंदर तरीके से आपको यहाँ पे बना के दिया गया है, मैम ने आपको समझाने के परस्पेक्टिव पे बनाया है, तो डायग्राम पे मत जाना, ठीक है। बट हाँ, एग्जाम में ऑब्वियसली नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है बच्चा पार्टी, ऑल क्लियर। चलो नाउ, व्हाई इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज कंसिडर्ड एज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड का कन्वर्जन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, देख लेते हैं। अब बच्चा पार्टी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, इजंट इट, या आप बोल सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, राइट। नाउ इथेनॉल जो कि है CH3CH2OH, राइट, दिस इज इथेनॉल। अब अगर मैं इसका रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराऊं, जो कि है अल्कलाइन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, या एसिडिफाइड K2Cr2O7, जो कि है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है। इथेनॉल है तो कौन सी एसिड बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा, विच इज CH3COOH। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन एटम्स आप ऐड कर रहे हो, राइट, दैट्स हाउ वी डिफाइन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपका जब इथेनॉल है वो कन्वर्ट हो जा रहा है इथेनोइक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ दीज सेट ऑफ रिएजेंट्स। तो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड को हम
ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है भाई, नेक्स्ट ये जो हमने डिस्कस की सेम चीज, ऑक्सीजन एटम्स आर एडेड टू कन्वर्ट इट इनटू इथेनोइक एसिड, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट पर्टिकुलर रिएक्शन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके ग्रेट. नेक्स्ट, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl. तो ये हमारा हैलोजन फैमिली हैलो ग्रुप है, राइट. तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है फर्स्ट टू मेंबर्स का. तो फर्स्ट टू मेंबर्स में मैं पहला लिख सकती हूँ क्या, मिथाइल क्लोराइड है ना, मिथाइल क्लोराइड. अब मुझे इसका नेक्स्ट मेंबर लिखना है, तो क्या मैं CH3 में एक CH2 ऐड कर दूं, होमोलोगस सीरीज का तो मतलब वही होता है राइट, जिसे हम C2H5Cl भी लिख दें. सो दिस इज इथाइल क्लोराइड. आगे बात समझ में बच्चा पार्टी. तो होमोलोगस सीरीज का तो मतलब यही होता है ना कि दो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर के बीच में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा. एब्सोल्यूटली, isn't it? I hope it's clear to each one of you. Okay. तो वही लिखा है कि the molecular formula of first two members of homologous series having Cl functional group, एक तो है methyl chloride, दूसरा है आपका ethyl chloride. तो CH3Cl आपका first वाला हो गया, second में CH3CH2Cl. All clear? ठीक है, चलो next. इसमें आपको IUPAC से question है, IUPAC nomenclature है ना, I hope भूले नहीं हो आप. फर्स्ट है आपका CH3CH2OH है ना, CH3CH2OH. नाउ इस पर्टिकुलर केस में मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है ना, तो इसका सफिक्स क्या लगेगा बच्चा पार्टी, ऑल लगता है ना. आओ आओ खाने चले, ऐसे करके मैंने आपको पढ़ाया था. तो ऐसे सेट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स का सफिक्स लगता है, सफिक्स मतलब कि एंड में यूज हो, एंड में यूज होगा राइट. अब यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है, दो कार्बन एटम्स है. अगर OH नहीं लगा होता तो मैं क्या बोलती, अगर सिर्फ सैचुरेटेड होता तो इथेन बोलती राइट. OH लगा है तो मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल, CH3CH2OH. ठीक है, नेक्स्ट आपका है CH3CHO है ना. अब CHO है मतलब कि एल्डिहाइड है इसमें फंक्शनल ग्रुप, इसका भी सफिक्स लगता है, क्या सफिक्स लगता है, अल है ना. अब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को आपको हमेशा नंबरिंग करते टाइम काउंट करना है, ये आप अच्छे से याद रखना कि कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कितना टाइम लगेगा, 10 to 15 minutes. कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको आप हमेशा काउंट करना व्हाइल यू आर डूइंग द नेमिंग ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर. ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो कार्बन कंपाउंड्स है, सॉरी दो कार्बन है, तो क्या नाम हो जाएगा ये, इथेनल. अगर एक ही होता तो मिथेनल. तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स मतलब कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उस उन सबको आपको काउंट करना है. ठीक है, ऑल क्लियर, आ गई बात समझ में. पहले वाले का नाम इथेनॉल, दूसरे का नाम इथेनल. ओके चलो नेक्स्ट, आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम दीज सेट ऑफ कंपाउंड्स. सैचुरेटेड मतलब कि एल्केन फैमिली का कौन सा मेंबर यहाँ पे पाया जाएगा, दैट यू नीड टू फाइंड आउट राइट. तो आपको क्या क्या दिया है, C3H6, C5H10, C4H10, C6H14, C2H4. तो ये हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें पता है कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है. बच्चा पार्टी चैट बॉक्स में भी बताना, रिवाइज इंडिया में भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है. एल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 है ना. अब अगर मैं पहले वाले के बारे में बात करूं, एन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगी, चेक करते हैं ठीक है, तो क्या आना चाहिए, C3H8 होना चाहिए राइट, जो कि यहां पे नहीं है, मतलब कि ये अनसैचुरेटेड है राइट. C5H10 अगर मैं यहां पे 5 पुट करूंगी तो C5H12 आना चाहिए राइट, तो ये भी नहीं है. C4H10 वो चेक करते हैं, अगर मैं यहां पे N की वैल्यू 4 पुट करूंगी तो +2 राइट. सो व्हाट डू यू गेट, C4H10 ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सैचुरेटेड है, सही जवाब. नेक्स्ट C6H14, अगर मैं यहां पे n की वैल्यू 6 पुट करूंगी तो क्या आएगा, C6 2 × 6 = 12, 12 + 2 = 14, बिल्कुल सही जवाब. तो ये भी आपका सैचुरेटेड होगा.
C2H4 ये नहीं होगा, आप चेक कर लो, n की वैल्यू यहाँ 2 पुट करो, C2 तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4, 4 प्लस 2, 6, तो C2H6 आना चाहिए, राइट? तो आपके इसमें से सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? C4H10 और C6H14. आगे बात समझ में, ठीक है? जनरल फॉर्मूला पता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, तो ये काम थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है? तो आपके इसमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? C4H10 और C6H14. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो आपको फंक्शनल ग्रुप बताना है ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में, इन दोनों इंडिविजुअली आपको बताना है. तो पहला वाला है C2H5Cl, तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एक्चुअली हेलो ग्रुप, हेलोजन, है ना, ठीक है. दूसरा वाला आपका है C2H5OH, है ना. OH किसका है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल का, ठीक है. आगे बात समझ में, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इन दोनों कंपाउंड्स में. तो ये क्लोरो ग्रुप है विच बिलोंग्स टू हेलो फंक्शनल ग्रुप, ये OH, दिस बिलोंग्स टू अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड्स टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. आपको ऐसे दो प्रॉपर्टीज बतानी है कार्बन की जिस वजह से कार्बन बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है बिकॉज ऑफ इट्स वर्सेटाइल नेचर. तो उसका ऐसा क्या वर्सेटाइल नेचर है जिस वजह से इट इज एबल टू फॉर्म दीज मेनी कंपाउंड्स. तो आप लिख सकते हो स्मॉल साइज, राइट, टेट्रावैलेंसी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कैटिनेशन, है ना. कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन ही अपने कार्बन भैया के साथ ज्वाइन करके एक लंबी चेन बना सकता है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, रिंग्स, ठीक है. दैट इज द वर्सेटाइल नेचर कि भाई उसका छोटा साइज है, है ना. टेट्रावैलेंसी मतलब कि उसकी वैलेंसी 4 है. इट ऑप्ट्स फॉर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये किसी को दुखी नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके स्टेबल हो जाता है. और बहुत सुंदर सी प्रॉपर्टी शो करता है विच इज कैटिनेशन, दैट इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स एंड फॉर्म लाइक इन अ लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, रिंग स्ट्रक्चर, उसे हम कैटिनेशन कहते हैं. तो ये बेसिकली आपकी प्रॉपर्टीज है कार्बन की जिस वजह से इट इज एबल टू फॉर्म दीज मेनी सेट ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है. वही लिखा है कि कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स लाइक लॉन्ग चेन्स व्हिच मे बी स्ट्रेट और ब्रांच्ड, जो कि मैंने बोला स्ट्रेट चेन बना सकता है, ब्रांच्ड चेन बना सकता है, रिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है, राइट, ड्यू टू इट्स टेट्रावैलेंसी एंड यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन. कार्बन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज फॉर्म्स एक्सेप्शनली स्टेबल कंपाउंड्स बाय फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. तो ये स्मॉल साइज के बारे में मैंने बोला, है ना, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, ये तीनों बहुत सुंदर सी प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की विच गिव कार्बन इट्स वर्सेटाइल नेचर. ऑल क्लियर मित्र पार्टी, चलो नेक्स्ट. हाँ, आपका क्वेश्चन है ये आइसोमर्स के बारे में, व्हाट आर आइसोमर्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ टू आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ठीक है. नाउ एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, आइसोमर्स अगर कोई कंपाउंड शो करेगा, हाइड्रोकार्बन शो करेगा, दैट इज ओनली पॉसिबल अगर मिनिमम उसके पास 4 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है. आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है. फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है बट दे कैन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनका अरेंजमेंट अलग तरीके से किया जा सकता है, ठीक है. अब आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है, अब आइसोमर बनाना है C4H10 का, ठीक है. ये हो गया आपका फर्स्ट, दिस इज एक्चुअली ब्यूटेन, है ना. अब क्या कर सकते हैं हम, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, एक CH3 मैं यहां लगा दूं, फॉर्मूला सेम होगा, आप चेक कर लेना, ठीक है. ये आपका हो गया 2-methyl propane, ठीक है. अब देखो C4H10 ही है इसका भी फॉर्मूला बट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है. 1, 2, 3, 4 चार कार्बन एटम है, हाइड्रोजन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट. तो ये आपके दो आइसोमर्स हो गए, एक तो है आपका एन ब्यूटेन, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला जो है दैट इज 2-methyl propane, है ना. CH3 बीच में
और आप नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, CH3 को सेकंड पोजीशन ही मिलेगी। आगे बात समझ में, तो ये दो स्ट्रक्चर्स थे आपके ब्यूटेन के। आइसोमर्स क्या है? दे आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर्स अलग हो सकते हैं व्हिच शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब एन ब्यूटेन ये आपका पहला आइसोमर है, सेम चीज मैंने बताया। क्या किया, एक CH3 को नीचे यहाँ पे लगा दिया, फॉर्मूला C4H10 ही है बट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, ठीक है। दूसरे तरीके से एक आपने CH3 जो ग्रुप है उसको यहाँ बीच में लगा दिया। ऑल क्लियर बच्चों पार्टी, ठीक है। नाउ बिफोर वी प्रोसीड अहेड विद अनदर सेट ऑफ इजिएस्ट क्वेश्चंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आप सबको पता है कि रिवीजन बैचेस आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, विच इज द द्रोणा बैच। नाउ जिन भी बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, दिस इज द फाइनल रिमाइंडर ताकि आप अपना रिविजन और स्पीडली कर सको। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगा, सारे जो डाउट्स हैं दैट विल बी क्लियर। हर चैप्टर इज गोइंग टू बी टॉक टू यू नॉट ओनली फ्रॉम केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, SST, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड यू कैन यूज निकी मैम्स कोड, यू कैन यूज माई कोड टू गेट 50% ऑफ। सो यू हैव द सेशंस फ्रॉम 6 to 8 PM, दीज आर योर रिविजन बैचेस, है ना। तो आपको आपके जितने भी डाउट्स हैं That will be cleared. और हर चैप्टर को अगर आपको एक बार और इन अ स्पीडली वे आपको गो थ्रू करना, यू कैन डेफिनेटली एनरोल फॉर द्रोणा सेशंस। आई विल रिकमेंड यू कि आप ये पक्का ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपके जो डाउट्स हैं इंस्टेंटली अगर आ रहे हैं, सो यू हैव योर टीचर इन द लाइव सेशन जो कि क्लियर करेंगे। नो ये जो द्रोणा के सेशन है, दीज आर द पेड बैचेस, ये यूट्यूब पे इसके सेशंस नहीं होंगे। ऑब्वियसली जो भी टीचर्स आपको रिस्पेक्टिवली 9th और 10th में सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, जो भी, दे विल बी ओनली टीचिंग यू, योर फेवरेट मास्टर टीचर्स ओनली विल बी टीचिंग यू इन द द्रोणा बैचेस एज वेल, बट इसका जो क्लास है यूट्यूब पे नहीं होगा, है ना। सो बच्चा पार्टी आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द टेस्ट सीरीज एज वेल जो कि चल ही रहा है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन साइन इन, गो टू द साइट माई टेस्ट लाइव एंड अपकमिंग व्यू सिलेबस अटेम्प्ट नाउ एंड यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट टेस्ट। जब आपका टेस्ट खत्म हो जाए, यू कैन ऐड पिक्स फ्रॉम योर कंप्यूटर एंड क्लिक ऑन सबमिट एंड एंड टेस्ट। हम आपको आंसर की भी दे रहे हैं ताकि इंस्टेंटली आपको पता चल जाए कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक में ज्यादा मेहनत की जरूरत है और कौन सी चीजें आपका एकदम स्ट्रांग है, राइट। यू हैव टू गो टू द साइट इटसेल्फ, क्लिक ऑन मोर, नीचे मिलेगा कॉन्टेंट लाइब्रेरी, यहां क्लिक करना एक्टिव साइंस, एडिशनल कोर्स मटेरियल में आपको क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपने साइंस का आंसर PDF चाहिए, उसका आंसर की चाहिए, क्लिक ऑन एक्शन के नीचे रीड एंड देन यू विल गेट द एंटायर आंसर की, ठीक है। हाँ ओके बच्चा पार्टी, नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड टू अनदर सेट ऑफ इजीएस्ट क्वेश्चंस। व्हाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स? कर्ड या खट्टी चीजों को आपको ब्रास या कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्ड या कोई सार सब्सटेंसेस आप लो, उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, राइट। एसिड का रिएक्शन अगर मेटल के साथ होता है तो क्या बनाता है, वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। तो बेसिकली जो एसिड है वो ब्रास या कॉपर वेसल्स में अगर आप रखोगे, वो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होगा, सार यू नो टॉक्सिक सब्सटेंसेस, पॉइजनस सब्सटेंसेस बन सकते हैं, विच शुड डेफिनेटली नॉट बी कंज्यूम्ड। इसीलिए हम उनको ब्रास या कॉपर वेसल्स में नहीं रखते हैं, ठीक है बच्चों पार्टी। आगे बात समझ में, कर्ड एंड सार फूड सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स, है ना, एसिडिक सब्सटेंसेस होता है विच कैन कंबाइन विद मेटल। ऑब्वियसली एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ हो सकता है ना, और जब वो ऐसे रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, दे कैन फॉर्म पॉइजनस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, राइट। वो हमें नहीं चाहिए, राइट। तो वो एक पॉइजन की तरह काम करता है विच कैन अफेक्ट अवर हेल्थ, दैट इज द मेजर रीजन। आगे बात समझ में, प्रोटॉन्स आर मी नेक्स्ट, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो आपको बताना है कौन सी गैस लिबरेट होती है जब एसिड का रिएक्शन हो रहा है। अभी ही मैंने बताया आपको क्या बनता है, ये सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। नाउ हाइड्रोजन गैस को आप कैसे आइडेंटिफाई या टेस्ट कर सकते हो, ये आपका क्वेश्चन है। एक मैं इक्वेशन लिख के भी आपको समझा देती हूँ, जिंक प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या फॉर्म करेगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस कैन बी आइडेंटिफाई बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल एंड दिस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो वो आपका आइडेंटिफिकेशन है हाइड्रोजन गैस का,
ओके यस, तो वही चीज लिखा है कि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, यू कैन ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर या यू नो द कैंडल, इट एक्चुअली बर्न्स विद अ पॉप साउंड, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन. Okay, next, while diluting an acid, why is it recommended that acids should be added to water and not water to the acid? ये भी बहुत ही easy question है, जो कि dilution of acid में भी मैंने आपको पढ़ाया है कि जब हमें acid को dilute करना होता है तो हमेशा acid को आपको पानी में डालना है, not water to the acid. Because if you add water to acid, इसमें क्या होता है, first of all, ये बहुत ही exothermic reaction है. Exothermic है मतलब कि large amount of heat बाहर आएगा, है ना. अब फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, आप यू पुटिंग वॉटर टू एसिड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ऐसा हो सकता है इन द वर्स्ट केस कि वो जो मिक्सचर जो आप बना रहे हो, इट कैन एक्चुअली कम आउट, इट कैन स्प्लैश आउट, और वो उससे आपको चोट लग सकती है, इट कैन कॉज यू सीवियर बर्न्स. तो हमेशा इसीलिए रिकमेंड किया जाता है यू शुड पुट एसिड टू वॉटर, एंड वाइल यू आर डाइल्यूटिंग इट आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है विद कॉन्स्टेंट स्टरिंग और स्वर्लिंग, ठीक है. So you should never add water to acid because it is exothermic reaction. Exothermic reaction है मतलब large amount of heat भी निकलेगा, which can cause the mixture to splash out, बाहर आ सकता है mixture, and उस वजह से आपको severe burns हो सकते हैं. आगे बात समझ में, all clear? तो ये आपका है dilution of acid के बारे में. While diluting an acid, it is recommended that acid should be added to water, not water to the acid, because when water is added to concentrated acid, it releases a huge amount of heat, जिसे ही मैंने exothermic reaction बोला है, which may result in an explosion and can cause acid burns on the face. जो acid burns on the face, clothes और body parts, ठीक है, वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना. अब imagine करो कोई reaction कर रहे हो, कोई experiment कर रहे हो, obviously you would not want to hurt yourself. Right? Isn't it? तो इसलिए safe होता है कि आप you should add acid to water, not the other way around. ओके बच्चा पार्टी, ऑल क्लियर. चलो, फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6. हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज इफ इट चेंजेस, इफ इट आई मीन मिल्क इज चेंज्ड इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर. ओके, फ्रेश मिल्क का पीएच आपको दिया गया है व्हिच इज 6, राइट. अब मिल्क चेंज हो रहा है कर्ड में, राइट, और हमें पता है कर्ड हैज लैक्टिक एसिड, राइट, लैक्टिक एसिड. अब एसिडिक सब्सटेंस कुछ बन रहा है, मतलब कि पीएच विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है बच्चा पार्टी, ऑल क्लियर. सो ये एक्सप्लेन योर आंसर में, यू कैन राइट डाउन व्हेन इनिशियली मिल्क इज हैविंग अ पीएच ऑफ 6, वंस इट इज चेंज टू कर्ड. सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड इज हैविंग एन एसिड व्हिच इज लैक्टिक एसिड, ओके, इस वजह से उसका पीएच जो है इट विल बी लेस, इट विल डिक्रीज. ओके, सो फ्रेश मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड एक्चुअली डिक्रीजेस द पीएच ऑफ द मिल्क. ये आपकी कहानी है पूरी. नेक्स्ट, स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन. आप रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, उसके दो तरीके बताओ. सो देयर आर मेनी, राइट, यू कैन एक्चुअली पेंट इट, पेंटिंग द सब्सटेंस, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ठीक है, गैल्वनाइजेशन ऑल्सो कैन बी डन, कोटिंग द मेटल विथ जिंक, राइट. तो ये आपके कुछ तरीके हैं जिससे आप रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंट कर सकते हो. सो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई कोटिंग द सर्फेस विथ रस्ट प्रूफ पेंट्स. यू कैन ऑयल और ग्रीस द सर्फेस सो दैट आयरन ऑब्जेक्ट्स, इट विल प्रिवेंट द आयरन सर्फेस टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर कंसिस्टिंग ऑफ मॉइस्चर. गैल्वनाइजेशन ऑल्सो कैन बी डन. सो देर आर लॉट ऑफ वेज. दो ही आपको लिखना था, तो आपको जो आता है, आपको जो पर्टिकुलर पॉइंट पता है, यू कैन राइट डाउन. Why do ionic compounds have high melting points? Ionic compounds के melting points क्यों ज़्यादा होते हैं? Let's first recall कि ionic compounds कैसे होते हैं. They are actually hard and they are held together by strong force of attraction. ठीक है बच्चा पार्टी. Ionic compound का अगर मैं example दूँ, एक NaCl which is sodium क्लोराइड, राइट. तो आयनिक कंपाउंड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, एंड द बॉन्ड इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर. तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है ताकि आप वो जो बॉन्ड है वो तोड़ पाओ, राइट. दैट इज एक्चुअली द रीजन दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट.
ठीक है, बिकॉज दे आर हेल्ड टूगेदर बाई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज टू बी गिवन इज सप्लाइड और गिवन. ठीक है, दैट इज द रीजन दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज दे आर एक्चुअली हैविंग, दे आर सेपरेटेड बाई चार्जेस, राइट. NaCl की बात करूं तो इसमें Na पार्ट पॉजिटिव है, Cl पार्ट नेगेटिव है. Okay, so ionic compounds are the ones which have both positive and negative charge. Hence, there will be strong force of attraction between them. This make expenditure of a lot of heat to break this force of attraction. Hence, ionic compounds have high melting points because इन दोनों के बीच में बहुत strong force of attraction होता है, bond strong होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा amount में energy देनी पड़ेगी, heat देनी पड़ेगी, ताकि आप ये bond तोड़ पाओ. That is the reason ionic compounds have high melting and boiling point. ठीक है, next. Okay, so name two metals which will displace hydrogen from dilute acids. ऐसे कौन से दो metals हैं which can displace hydrogen from dilute acids? You can take zinc, magnesium, both can displace, right? Name two metals which cannot, silver cannot, right? Copper cannot displace. Okay, all clear बच्चा पार्टी? ये भी था लड्डू question ही. तो जिंक एंड मैग्नीशियम आर द टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, दे आर वेरी रिएक्टिव. सिल्वर गोल्ड आर द मेटल्स विच विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस. ये जेटलाइज्ड फॉर्म में मैंने लिखा, कॉपर का भी मैंने एग्जांपल दिया. रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आप एक्चुअली डिसाइड कर सकते हो. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एज एवरी स्टेट लर्निंग हाउ कॉपर सेव सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम. ठीक है, तो जनरली सिल्वर गोल्ड या कॉपर के बारे में बात करूँ, इतना ईजिली डिस्प्लेस नहीं कर पाते, है ना. जो नीचे आपके आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज के, वो जनरली डिस्प्लेस नहीं कर पाते. नेक्स्ट, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल? सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में इमर्स करके डुबा के क्यों रखते हैं? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में बताना है. दिस इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, ठीक है, ये बहुत रिएक्टिव मेटल है, बहुत ही उधम मचाता है, शैतान है. ठीक है, तो एट द मोमेंट यू टेक इट आउट, इट एक्चुअली रिएक्ट विद ऑक्सीजन और बहुत ही एक्सप्लोजिव रिएक्शन, विगरस रिएक्शन शो करता है. तो इस विगरस रिएक्शन को अवॉइड करने के करना है हमें, दैट्स व्हाई इट इज डिप्ड इन केरोसिन ऑयल एंड केप्ट. यस, इट्स अ वेरी रिएक्टिव मेटल. ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एयर, it shows explosive reaction. And that is the reason why it is actually dipped in kerosene oil and kept. ठीक है बच्चा पार्टी, तो सोडियम जो है बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है, तो अगर आप उसे ओपन में छोड़ दोगे, खुले में छोड़ दोगे, तो वो खाली तो बैठने वाला है नहीं, तो वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू एक्सप्लोजन. इट एक्चुअली कॉजेज एक्सप्लोजन, विगरस रिएक्शन शो करता है और आग लग सकती है. ओके, दैट इज द रीजन कि उसे हम केरोसिन में डिप करके रखते हैं, इमर्स करके रखते हैं, टू प्रिवेंट द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर, ताकि वो एयर के कॉन्टेक्ट में आए ही ना और विगरस रिएक्शन फिर नहीं होगा. ठीक है, ऑल क्लियर. नेक्स्ट, Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? Now, magnesium ribbon को हम क्यों clean करते हैं before we proceed ahead with the burning of magnesium ribbon? Because it is actually having a layer of magnesium oxide. इस वजह से जो reaction है आगे proceed नहीं कर सकता. So, to remove, we have to make sure कि हम ये जो magnesium oxide का layer है वो clean कर दे, ताकि जो reaction है rapidly आगे बढ़ सके. That's why it is cleaned before burning in air, right? So it is covered with a layer of magnesium oxide when kept in air for a long time. So the magnesium ribbon is actually covered with a layer of magnesium oxide. और ये layer आगे reaction को होने नहीं देती, hinder करती है, stop करती है. तो that layer is actually removed. That is the reason it is cleaned before burning, ताकि जो reaction है आपका rapidly आगे बढ़े. Okay. Next. What is a balanced chemical equation? Why should a chemical equation be balanced? Balanced chemical equation ऐसा chemical equation होता है जिसमें total number of atoms
ऑन लेफ्ट हैंड साइड विच इज द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में के जो नंबर ऑफ एटम्स है इंडिविजुअली इक्वल होने चाहिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, उसे ही हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. अब इक्वेशन को हमको बैलेंस क्यों करना है, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर कि इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर रिमेन्स सेम. ठीक है, तो दैट्स व्हाई दैट इज एक्चुअली द रीजन कि इक्वेशन केमिकल इक्वेशन शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड. ओके बच्चा पार्टी, वही चीज लिखी है कि बैलेंस्ड इक्वेशन इज द वन इन विच नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल. बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज नेसेसरी बिकॉज वी हैव टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Balancing the chemical equation has no defined attempt and mostly done by trial and error attempt. तो trial and error का hit and trial algebraic method मैंने आपको सिखाया है. Hit and trial का मैंने आपको एक short trick भी दिया है जिससे आप time बचा सकते हो when you are balancing, chemical equation. ठीक है, okay. So that's it from my side, बच्चा पार्टी. I hope ये सारे questions भी आप मेरे साथ साथ solve किए हो. ये आप प्यारा सा homework ले जाओ. Make sure you definitely answer it in the comment section as well. And video को like करो, जरूर कर देना. Share it with your friends as well. Subscribe to the channel if you have not. And let me know in the comment section. I hope all of you that you have enjoyed today's session. So that's it from my side. ये homework पक्का से कर लेना. इसका answer भी मुझे chat box में दे देना, comment section में. That's it from my side. So Nikki ma'am here bidding you goodbye. Everyone, tata. Happy learning.